कौन कहता है रोशनी चांद देता है, सितारे नहीं। मैंने टांक लिया है सितारों को अपनी छतरी में, मेरी राहों में अब अंधेरे नहीं। इंडोइन बिजनेस ग्रुप प्रेजेंट्स स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप एन एग्रीकल्चरल कंपनी, एडिंग वैल्यू, बिल्डिंग ट्रस्ट। टू नो मोर अबाउट आवर टाइटल स्पॉन्सर प्लीज विजिट www.indoingroup.com। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन श्रीवास्तव और मेरी आईडी है 26996 और आई एम द फाउंडर ऑफ स्टार्स ऑफ पंतनगर। और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ हमारे तकरीबन 20 एपिसोड्स को होस्ट करने वाले डॉक्टर श्रीश गौतम जी से। एज वी हैव डिसाइडेड इन कंसेंट विद द टीम कि वी विल रोटेट द होस्टिंग ऑफ दिस एपिसोड टू डिफरेंट एलुमनाई चैप्टर्स ऑफ पंतनगर यूनिवर्सिटी, चाहे वो दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, एनी वेयर अक्रॉस द वर्ल्ड हो। तो एवरी 10 एपिसोड विल बी होस्टेड बाय एन एक्स स्टूडेंट एलुमनस और एलुमना फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर ऑफ डिफरेंट एलुमनाई ग्रुप्स पंतनगर के। डेफिनेटली इसका रीज़न है कि इट विल ब्रिंग मोर डाइवर्सिटी, मोर इंक्लूजन इन दिस प्लेटफॉर्म। एंड सिंस वी आर नाउ गेटिंग मोर इनटू कंसल्टेंसी फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू कॉर्पोरेट्स एज वेल एज गवर्नमेंट्स। सो इसका जो होस्टिंग है, वी वांट पीपल टू टेक इट अहेड एंड सो दैट वी गेट मोर टाइम टू फोकस कि हम बिजनेस जनरेट कर सके अपने एलुमनाइज के लिए। अपने स्टार्स ऑफ पंतनगर के जो हमारे गेस्ट हैं, दे आर डेफिनेटली सुपर हीरोज ऑफ देयर इंडस्ट्री। सो वी आर एज अ कलेक्टिव टीम अप्रोचिंग फॉर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स, और कुछ प्रोजेक्ट्स वी आर ऑलरेडी ऑन एंड वेरी सून वी विल लॉन्च दैट। हम अनाउंस भी करेंगे उसको। सो बैक टू द टॉपिक, डॉक्टर श्रीश गौतम इज फ्रॉम 2000 बैच एग्रीकल्चर and he has done his BSc agriculture from Pantnagar University. उसके बाद इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, वहाँ से हॉर्टिकल्चर में इन्होंने मास्टर्स किया है PG, and he has done his doctorate from same university। और उसके बाद अभी ये लॉ में कोई डिग्री कर रहे हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। इसके साथ ही इनके 3-4 बिजनेस हैं। पहला बिजनेस तो इनका एक आपकी हार्डवेयर रिटेल शॉप है, काफ़ी बड़ी शॉप है ये जानकीपुरम लखनऊ में। इसके साथ इनका एक कॉलेज है और उसके साथ इनकी गैस एजेंसी भी है। एंड नाउ ही इज़ प्लानिंग टू एक्सपैंड हिज बिजनेस इनटू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, क्रॉप प्रोटेक्शन के। सो ये काफ़ी बड़े बिजनेसमैन होने वाले हैं और संग में इनको पढ़ने का बहुत शौक है। एंड इनकी एक फाउंडेशन भी है, संतोष फाउंडेशन, एंड उस पर ये लोगों को इनवाइट करते हैं आर्टिकल्स लिखने के लिए। इनकी एक क्वार्टरली मैगजीन्स भी आती हैं उसमें। एंड बेसिकली वो रहती है कि जो हमारा समाज है, कैसे समाज बदल रहा है, एंड हाउ पॉलिटिक्स इज शेपिंग इट अप, और थोड़े से जो बौद्धिक आर्टिकल्स होते हैं वो उसमें जगह पाते हैं, बीट फ्रॉम रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, साइंस वगैरह वगैरह। इसके साथ इनका एक वेब प्लेटफॉर्म भी है, नेटिव करके है, एंड जिसपे ये जो न्यूज़ पोर्टल काइंड ऑफ है, बट विद काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जिसपे बहुत सारे लोकल रिपोर्टर्स कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो इतने सारे वाइड एस्पेक्ट के साथ ही हैज़ ऑल्सो होस्टेड स्टार्स ऑफ पंतनगर फॉर अवर 20 एपिसोड्स। नॉट ईजी टास्क भाई, नॉट ईजी टास्क। ज़्यादातर अब हम चलते हैं, इनफैक्ट नाउ वी शुड मूव ऑन टू इंट्रोड्यूसिंग मोर अबाउट हिम। सो फ्रेंड्स, लिसनर्स, हमारे डियर पेट्रंस, जोरदार ताली हो जाए डॉक्टर श्रीश गौतम जी के लिए। एंड लेट्स नो मोर अबाउट द पर्सन हु हैज़ बीन होस्टिंग स्टार्स ऑफ पंतनगर टिल नाउ। और दोस्तों, मेरे साथ हमारे अगले होस्ट चिराग उपाध्याय भी हैं, एंड ही विल बी द साइलेंट होस्ट इन दिस फुल एपिसोड।
चिराग ने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं इसमें एंड दिस एपिसोड विल बी काइंड ऑफ ऑनबोर्डिंग एपिसोड फॉर चिराग टू हाउ टू होस्ट एंड हाउ टू गेट ऑन द नैक ऑफ टॉकिंग टू पीपल हियर. सो वेलकम चिराग एंड वेलकम आवर ग्रेट फ्रेंड एंड होस्ट डॉक्टर शिरीष गौतम. जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर शिरीष गौतम जी का. डॉक्टर शिरीष, आपने स्टार्स ऑफ पंतनगर के तकरीबन 20 एपिसोड होस्ट किए हैं और इस चेंज के मौके पे जब हम एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्टार्स ऑफ पंतनगर में जिसमें कि हर 10 एपिसोड को एक एलुमनाई चैप्टर हैंडल करेगा और उसकी होस्टिंग एंड स्काउटिंग फॉर गेस्ट सब कुछ वो करेगा सो दैट इसमें ज़्यादा इंक्लूसिव हो सके ये प्लेटफॉर्म सबके लिए. तो शुरुआत करते हैं जहाँ से आपकी जर्नी स्टार्स ऑफ पंतनगर में शुरू होती है और हमको ये भी बताएं कि पंतनगर से निकलने के बाद आपकी जो राहें हैं वो आपको किन मंजिलों तक ले गई हैं और किन मकामों पर आप रूबरू होकर स्टार्स ऑफ पंतनगर में आए. सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग मी. और जैसा कि आपने पूछा कि स्टार्स ऑफ पंतनगर की शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि पंतनगर की शुरुआत कैसे हुई ये बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि पंतनगर ही स्टार्स ऑफ पंतनगर की जर्नी है. ईयर 2000 में 12th क्वालिफाई करने के बाद पंतनगर यूनिवर्सिटी में हमारा आना हुआ. मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा था, मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हो पाए. एज़ यूजुअल वेटनरी के लिए पंतनगर का फॉर्म भरा और वेटनरी ना मिल करके पंतनगर में एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन मिला. अभी तो उस समय यह था कि भाई 12th पास किया है, चल के देख लेते हैं कि कैसी यूनिवर्सिटी है क्या है. पंतनगर यूनिवर्सिटी में एंटर करते ही ऐसा एहसास हुआ कि ये कुछ एक अलग तरह की जगह है. मुझे आज भी वो पहला दिन याद है जब पंतनगर नगला स्टेशन पे उतर करके पंतनगर की शटल पर बैठ के पंतनगर यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर जब वो शटल एंटर करती है तभी से एहसास होता है कि ये एक अलग हवा में, एक अलग दुनिया में आ गए हैं. फिर ये हुआ कि अब यहीं से पढ़ना है, ये बहुत अच्छी जगह है, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे यहाँ से करके. ये एक विश्वास था और उसी विश्वास के साथ पंतनगर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया. 4 साल का समय कैसे बीता, सीखते सिखाते करते कराते फाइनली ग्रेजुएट हुए पंतनगर से. एक ट्रेजेडी का शिकार हुए फाइनल ईयर में. हमसे बड़े भाई साहब थे, हम लोग 2 ही भाई थे जो हमसे बड़े भाई साहब थे, उनकी सडनली डिमाइज हो गई डेंगू की वजह से. तो वो हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था. उसके बाद से माँ बाप ने कहा कि आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिए हैं, आप अब हम लोगों को देखने के लिए, बूढ़े माँ बाप को देखने के लिए और परिवार को देखने के लिए फाइनली आगे की एजुकेशन को हमें वापस लखनऊ में कंटिन्यू करनी पड़ी. तो लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ से MSc और PhD अपने हॉर्टिकल्चर में कंप्लीट करी. फिर कुछ बिजनेस का बैकग्राउंड था अपने यहाँ, रिटेल आउटलेट्स है हार्डवेयर्स का, उस पर कुछ दिन बैठे. फिर फाइनली PhD करने के बाद ये हुआ कि कुछ बड़ा करना है. जैसे पंतनगर में भी एडमिशन लिया था तो उस समय ये सोचा कि कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा, अच्छा करेंगे. तो जो एक बड़ा करने की, कुछ अच्छा करने की ललक थी दिल में, उसने जीवन को ला करके ऐसी जगह पे खड़ा किया. ये हुआ कि कुछ डिलीवर करना है तो अपना एक लैंड थी तो उस पर अपना एक कॉलेज बनवाया गया ये लखनऊ में ही. तो हम लोग अपना एक कॉलेज चलाते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हेल्थ एंड सैनिटेशन 3-4 कोर्सेज चलते हैं. यहीं से जर्नी की शुरुआत होती है. बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनको रोजगार परक शिक्षा दी जा रही है. इसके साथ साथ अपना एक बिजनेस और है, LPG का डिस्ट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में. इस तरह से पंतनगर से सिखाया हुआ, पंतनगर का दिया हुआ चल रहा है. अब आपका चिराग जो पहला क्वेश्चन था कि हाउ स्टार्स ऑफ पंतनगर हैपन. जब पहली बार स्टार्स ऑफ पंतनगर का एपिसोड सुना मैंने, नितिन से बात होती थी, नितिन वॉज माई बैचमेट, नितिन से बात हुई, पहला एपिसोड सुना तो लगा कि भाई ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो पूरी तरह से फिर से पंतनगर में वापस ले जाकर और पंतनगर को जीने का फिर से मौका देती है. फाइनली 10 एपिसोड आलोक
ने होस्ट की है। इनफैक्ट दसवां हमने ही होस्ट किया था। दसवें में मैं पूरी स्टार्स ऑफ पंतनगर की टीम को होस्ट करने का मौका मिला। तो वो एक ट्रायल था। नितिन ने बोला कि स्टार्स ऑफ पंतनगर की पूरी टीम को होस्ट करना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा बोलने का शौक था पहले से, बट जो पहला प्रोग्राम होस्ट किया जिसमें स्टार्स ऑफ पंतनगर की पूरी टीम को होस्ट किया, उसको करने के बाद ऐसा लगा कि यार कर सकते हैं भाई। तो फिर अच्छा लगा, नितिन को भी अच्छा लगा, बाकी टीम ने भी कहा भाई यू शुड कंटिन्यू। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आई शुड कंटिन्यू। तो उसके बाद से स्टार्स ऑफ पंतनगर हो गया एज ए होस्ट। श्रीश, इस मंच पर बहुत सारे सितारे आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग टैलेंट्स के होते हैं वो। जैसे कोई ब्यूरोक्रेट होता है और कोई साइंटिस्ट है, कोई स्टूडेंट ही है और कोई एंटरप्रेन्योरशिप में। सो इनको सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन वेदर समबडी इज अ स्टार और प्रोबेबल कैंडिडेट टू बी होस्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म? ये मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, लेकिन आज इस मौके पर हमको शायद ये बताना जरूरी है, अपने लिसनर्स को ये बताना बहुत आवश्यक है कि हाउ डू यू डिफाइन अ स्टार एंड ये प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोगों को आमंत्रित करते हैं और क्या कोई सजेशंस भी आते हैं या रिक्वेस्ट आती है या ओनली वी अप्रोच पीपल एंड डू दैट प्लीज? बड़ा ही अहम सवाल है जो आपने पूछा, क्योंकि ये एक कौतूहल का विषय रहता है कि ये गेस्ट आते कैसे हैं। सही बात है। तो जहाँ तक गेस्ट के सिलेक्शन का सवाल है, कुछ हमारे पास रिकमेंडेशंस आते हैं पंतनगर फोरे एसोसिएशन से, कुछ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का जो एलुमनाई एसोसिएशन है उससे रिकमेंडेशन आए हैं बीच बीच में, और कई बार हमारे जो एलुमनाई एसोसिएशन के डिफरेंट चैप्टर्स हैं वहाँ से भी लिंकअप होकर के वहाँ से रिकमेंडेशन आते हैं। कई बार गेस्ट हमसे खुद अप्रोच करते हैं और हम भी उनसे अप्रोच करते हैं। कई बार स्पेशल डिमांड्स आती है, जैसे अभी आपने देखा होगा एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशल हुआ था, तो उसमें दूसरे इंस्टीट्यूट से या और लोगों से जो अपने एलुमनस हैं उनसे डिमांड आती है कि भाई इस तरह के ख़ास तरह के गेस्ट को बुलाना है। तो यही सिलेक्शन का पैटर्न रहता है। सबसे ख़ास बात यह होती है कि ये कवर अप करने की कोशिश होती है कि लगभग हर एक फील्ड से, डाइवर्सिफाइड फील्ड से लोग आए, ताकि प्रोग्राम की वैरायटी मेंटेन रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि ऐसे लोगों को बुलाने की कोशिश होती है जिनके आदर्शों से और जिनके जीवन चरित्र से पंतनगर डिफाइन हो सके कि पंतनगर कैसे कैसे लोगों से मिल करके बना है, किन लोगों ने इस पंतनगर को बनाया है। तो सारी कोशिश यही होती है, एक प्रयास है स्टार्स ऑफ पंतनगर। अब आप उसके सदस्य होने जा रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे और अच्छे अच्छे गेस्ट। हम लोग बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग कांटेक्ट में हैं, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं इस लेवल पर आ चुके हैं कि उनके पास टाइम की प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोगों के साथ हेल्थ का इशू होता है, तो वो लोग अभी लाइनअप हैं। बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट अभी और आएंगे, तो ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा। ये जो अगला सवाल है, थोड़ा सा बेमानी लगेगा आपको, इसका जवाब इतना आसान शायद ना हो आपके लिए। तो शिरीष, से समथिंग अबाउट डिफरेंट गेस्ट यू होस्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और क्या उन गेस्ट में से कोई एक या कोई भी गेस्ट जिनको आप अभी भी जहन में लेकर साथ चल रहे हो, उनका नाम कहना चाहेंगे क्या, जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया एंड यू वर टोटली हम्बल्ड बाय देयर वर्क जो उन्होंने काम किए हैं, और आपको शायद उससे इंस्पिरेशन भी मिल रही हो? प्लीज, और हाँ, डिप्लोमेटिक आंसर ना दीजिएगा, कीप इट वेरी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सही कहा आपने, ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि हु वाज द बेस्ट, मगर इसमें एक ज़बरदस्त मिक्स रहा। जितने भी एपिसोड हमने किए उनमें सारों में एक बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स रहा। वो मिक्स रहा अलग अलग फील्ड के, अलग अलग फील्ड के गेस्ट थे और जिनकी अपनी एक्सीलेंस थी। कुछ ऐसे थे जैसे, मैं कुछ का नाम लेना चाहूँगा, जैसे हमारे बहुत सीनियर थे डॉक्टर विनय मेहरोत्रा सर, जो कि कनाडा में बेस्ड हैं और
पूरा मिडिल ईस्ट से लेकर के उन्होंने पूरी लाइफ बेकरी इंडस्ट्री के लगाई। उनकी बातें सुनकर के मुझे लग रहा था कि उनके सामने तो मैं एक रोए के बराबर नहीं हूँ, बट आई वॉज वेरी मच डिलाइटेड। सच में, मतलब ये डिलाइटेड शब्द वहाँ बोलते भी थे और वाकई में होते भी थे कि भाई इतने बड़े आदमी से जिन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी, जहाँ से जिस खेत से हम निकले हैं उस खेत से वो भी निकले हैं और ये यहाँ तक पहुँचे हैं। और जहाँ तक बात मज़े की है तो सबसे डेफिनेटली हमारे बैचमेट रहे प्रमोद शर्मा जी, उनके इंटरव्यू में बहुत मज़ा आया और काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। जिस तरह प्रमोद काम कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के हेल्थ के लिए, बहुत सारे जो लोग ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए प्रमोद और उनकी टीम काम कर रही है। विकास मंगल का इंटरव्यू, वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग था कि नो मैटर्स आपकी एज क्या है, नो मैटर्स आपका एक्सपीरियंस क्या है, अगर आपने कुछ बड़ा सोचा है तो आप कर सकते हैं। हेमचंद सर हो गए, हेमचंद सर का इंटरव्यू, बचपन में इतनी परेशानियां, फादर नहीं थे, मदर ने पाला, उसके बाद उन्होंने अपने आप को, अपने कैरियर का ध्यान रखा, साथ में उन्होंने अपने पैशन का भी ध्यान रखा। सबसे इंस्पायरिंग इंटरव्यू था महेश किंद सर का, जो कि दिव्यांग हैं और अपने दम पे एक बहुत बड़ी संख्या को, बहुत सारे लोगों को अपने दम पे उन्होंने अपनी कम्युनिटी में डेवलप कर रखा है, सबकी हेल्प करते हैं, बाकायदा उनका एक आश्रम चल रहा है। तो महेश किंद सर का जो इंटरव्यू था वो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग था। डॉक्टर साहब, कंसिडरिंग कि अभी इस पॉडकास्ट को 6 महीने ही हुए और अगर हम स्टार्स ऑफ 15 की वेबसाइट देखें तो इसमें टीम काफ़ी है, मेरे ख्याल से 10 से 11 लोग आपकी टीम में काम करते हैं। सो टेल अस मोर अबाउट वर्किंग इक्वेशंस इन स्टार्स ऑफ 15, जैसे कि गेस्ट को अप्रोच कौन कर रहा है, बैकएंड के टेक्निकल वर्क कौन देखता है, स्क्रिप्टिंग कौन करता है, ये सब होता कैसे है और किस तरह के टूल्स या प्रोसेस आप इंटरनली इस्तेमाल करते हैं उसमें? क्या रिकॉर्डिंग आपकी आवरली टाइप में होती है, लाइक वन नाइट फाइट, और इट इज काइंड ऑफ प्री प्लान्ड? से समथिंग अबाउट दैट। जहां तक स्टार्स ऑफ पंतनगर की टीम के बारे में बात की जाए, जैसे नितिन श्रीवास्तव हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट उनका है, और बाकी टेक्निकल टीम में अक्षय हैं, और ऐसे हम सारे लोग मिलकर के जितने भी लोग स्टार्स ऑफ पंतनगर की टीम में हैं, इसमें सबसे पहले कुछ हमारे सेट क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस गेस्ट के स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो या तो हमारी टीम डिसाइड करती है कि इस पर्टिकुलर गेस्ट के फील्ड ऑफ इंटरेस्ट या उसके किए गए कामों के हिसाब से उससे ये क्वेश्चन पूछा जाए, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो गेस्ट खुद से कहते हैं कि ये हम इसको बताना चाहते हैं तो इसको पूछा जाए। तो इस तरह से उसके पहले क्वेश्चन सारे फ्रेम किए जाते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद उन क्वेश्चन को गेस्ट को दे करके उनकी रिकॉर्डिंग करवाई जाती है। पहले गेस्ट की रिकॉर्डिंग होती है क्वेश्चन वाइज, फिर उसके बाद होस्ट की रिकॉर्डिंग होती है जो मैं करता था, और फिर उनको हमारी जो बैकएंड पे टेक्निकल टीम है जिसमें अक्षय हैं और भी लोग हैं, वो सारे लोग उन सारे क्वेश्चंस को और आंसर्स को आपस में क्लब करके पूरा एपिसोड विद म्यूजिक और जो भी चीज़ें आप देखते हैं जहाँ पर भी एडिटिंग की ज़रूरत होती है, वो नितिन और अक्षय वो लोग मिल करके उसको फाइनलाइज करते हैं। और जहाँ तक बात आपने कही कि ये कैसे और कितने समय में होता है, तो समय कई बार काफ़ी समय मिल जाता है और कई बार बहुत कम समय मिलता है। डेफिनेटली जैसे वन नाइट फाइट की बात हुई तो कई बार एपिसोड वेडनेसडे को आना होता है तो मैक्सिमम एपिसोड ट्यूसडे की नाइट तक ही रिकॉर्ड हो पाते हैं, या कई बार वेडनेसडे की सुबह भी रिकॉर्डिंग होती है और उसके बाद कुछ एडिट्स होते हैं, कुछ रिटेक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें करते कराते फाइनली एपिसोड आपके सामने आता है। So what were your initial thoughts, the first thoughts, जब आपको अप्रोच किया गया स्टार्स ऑफ पंतनगर को होस्ट करने के लिए, what was your first thought at that point? कैसा लगा आपको, क्या सोचा आपने, कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, महसूस तो बहुत अच्छा हुआ। स्टार्स ऑफ पंतनगर में एज ए होस्ट लाने में नितिन का जितना रोल है उतना ही रोल हमारे बैचमेट एक हैं प्रवीण राव, उनका भी बराबर का रोल है। नितिन और प्रवीण की बात हुई कि भाई एक होस्ट की ज़रूरत है, प्रवीण ने सजेस्ट किया कि लोकल लखनऊ में, एक्चुअल में नितिन भी लखनऊ है, मैं भी लखनऊ हूँ, तो लखनऊ में ये इसको अप्रोच कर सकते हो। नितिन ने बोला उसके पास टाइम का इशू रहता है,
डेफिनेटली टाइम का इशू रहता है, क्योंकि बिजनेस टाइम ज़्यादा मांगता है, ज़्यादा समय लगता है। तो लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, मैंने कहा भाई देखो कोशिश करता हूँ एक दो एपिसोड के लिए, कोशिश करता हूँ फिर देखूँगा आगे क्या होगा। पहला एपिसोड किया जिसमें पूरी स्टार्स ऑफ पंतनगर को होस्ट किया। उसको करने के बाद लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, कर सकता हूँ। और उसको करने के बाद फिर एक फील आया अंदर कि भाई किसी भी चीज़ में अगर आप अपने आप को लाओ और निखारने की कोशिश करो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं इस बात पर, हमारे फादर बचपन से हम लोगों को सिखाया करते थे और बताते थे कभी भी किसी भी चीज़ से डरना मत। मतलब यहाँ पे डरने का सेंस ये नहीं कि किसी से लड़ने जाना, डरना मतलब किसी भी काम से मत डरना, किसी भी टारगेट से मत डरना। क्योंकि अगर आप उस टारगेट से और उस काम से डर गए तो उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उनकी वो बचपन की सीख हमेशा काम आती है कि कोई भी लक्ष्य कितना बड़ा हो। ऐसे ही स्टार्स ऑफ पंतनगर का था मुझे, तो मतलब इट वाज माय लाइफ फर्स्ट एक्सपीरियंस कि कहीं पर अपनी आवाज़ को मैं रिकॉर्ड करके फिर से सुन रहा था। मगर पहले एपिसोड के बाद ही मैंने कहा चलो करते हैं, किया, अच्छा लगा, लोगों ने भी तारीफ़ करी। सबसे पहले आलोक ने फ़ोन किया मुझे, मुझसे पहले होस्ट थे आलोक, आलोक ने फ़ोन किया भाई बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो। हमने कहा ठीक है करते हैं इसको। फिर आगे उसको ऐसे ही करते रहे, करते करते धीरे धीरे बाकी आप सारे लोग बताने वाले हैं। तो अगला सवाल है ना, वो स्टार्स ऑफ पंतनगर का ट्रेडमार्क सवाल है, इट्स अबाउट पंतनगर कल्चर। आपने बहुत सारे गेस्ट से ये पूछा है कि टेल अस समथिंग अबाउट वो कल्चर, कैसे उसने डिफाइन किया। सो आज यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर शीश, कि आपके कॉलेज के दिनों से कोई ऐसा किस्सा बताइए जो पंतनगर कल्चर को डिफाइन करता हो, और किस तरीके से इस कल्चर ने पंतनगर से निकलने के बाद आपको मदद की है। डेफिनेटली ये स्टार्स ऑफ पंतनगर का ट्रेडमार्क क्वेश्चन ही है, हर एक गेस्ट से पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, और आज मेरा मौका है। जहां तक पंतनगर के कल्चर का सवाल है, पंतनगर अपने आप में एक अलग दुनिया है। पंतनगर सबसे बड़ी चीज जो वहां पर सिखाई जाती है, किताबी ज्ञान और व्यवहारिकता, इनमें आपस में संबंध स्थापित करने का काम पंतनगर में होता है। यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में डिफरेंसेस ज्यादा ना रहे। जब मुझे पहले दिन का पहला प्रैक्टिकल याद है, सॉइल साइंस का प्रैक्टिकल था, सोबरन सिंह सर हमारे टीचर थे, और पहला ही दिन था, पहला बच्चा एडमिशन हुआ और सॉइल सैंपल का प्रैक्टिकल। अब उस दिन बारिश भी हुई खूब, 28 जुलाई, सारे बच्चों को ले जा करके सीआरसी के पीछे, सीआरसी में ले जाया गया और वहाँ पे एक खाली फील्ड में सारे लोग खुरपी लेकर गए और सैंपल लेने का उन्होंने तरीका बताया। उसमें मुझे काफ़ी अंदर से ऐसा लग रहा था कि यार ये फालतू का काम करा रहे हैं, इतनी दूर लेकर के आए हैं और सिंपल सा ये वहीं पे अपना बता देते ब्लैक बोर्ड पे कि भाई ऐसे करके ट्रांसफर्स मारा जाएगा और निकाल करके ये सैंपल हो जाएगा, चार पांच जगह से लेना है। मतलब इस तरह के सवाल अंदर आ रहे थे, ऐसा लगा फालतू में ये आधा किलोमीटर पैदल सबको लेकर के जा रहे हैं और अननेसेसरी काम करा रहे हैं। इसका मुझे फ़र्क सबसे ज़्यादा महसूस ये हुआ बहुत बाद में कि एक बेसिक चीज़ अगर आपने की नहीं है, सिर्फ आपको बता दी गई है, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप उसको अनुभूत नहीं कर सकते, उसको आप पूरी तरह से अपने में समझ नहीं सकते। तो वही वो जो कराया गया वो मुझे जीवन भर के लिए सीख है। अभी हमारा अपना कॉलेज है, हम अपने कॉलेज में भी बच्चों को वही सारी चीज़ें जो पंतनगर से मिली हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं उनमें, और उन सब बच्चों में वही चीज़ें डालने का प्रयास करते हैं। हर एक चीज़ अगर आपने स्वयं से नहीं करी है तो मुश्किल है आपके लिए। और दूसरी चीज़, पंतनगर आपको लगातार काम करना सिखाता है। किसी भी तरह की परिस्थिति में सारी चीज़ें समय पे होनी है
और लगातार होनी है। आपको काम से रुकना नहीं है, ये पद्मनगर सिखाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, रिगार्ड देना सिखाता है सीनियर्स को, जूनियर्स को। आज भी कहीं पद्मनगर के सीनियर मिले, भले ही कितने सीनियर हों, अगर वो सीनियर हैं आपको तो वो आपको एज ए जूनियर आपको ट्रीट करेंगे और पद्मनगर में एज ए सीनियर आप उनको ट्रीट करेंगे। तो ये तीन चार अहम बातें हैं जो पद्मनगर की बिल्कुल सबसे अलग हैं। और पद्मनगर का एसोसिएशन अपने आप में सबसे मजबूत एसोसिएशन है। पद्मनगर के नाम पे किसी से भी आप बात करें, जो भी अगर कहीं पद्मनगर से उसका कहीं से भी ताल्लुक है, भले वो पद्मनगर में रहा हो, तो उससे अपने आप में एक एफिनिटी बढ़ती जाती है, एक जुड़ाव बढ़ता जाता है। तो ये कल्चर जो उस जगह पर पैदा हुआ, जो उस जगह पर बना, ये अपने आप में सबसे अलग बात है। और इसी बात के लिए पद्मनगर पद्मनगर है, और पद्मनगर जाना ही इसी बात के लिए जाता रहेगा। हमारे सभी लिसनर्स आपको बहुत लंबे समय से जान रहे हैं कि यू आर द होस्टिंग वॉइस बिहाइंड स्टार्स ऑफ पद्मनगर पॉडकास्ट। और अब शायद ये समय आ गया है कि हम अपने लिसनर्स को माइक के पीछे की शख्सियत से मिलवाएं। एसओपी की इस आवाज के पीछे रोजाना की जिंदगी वाला शख्स कौन है, पद्मनगर से कैसे जुड़ा हुआ है, और पद्मनगर ने उसकी राहें किस तरह मोड़ी हैं, और उसका सफर आगे कहाँ जा रहा है। वेयर आर यू गोइंग अहेड और मूविंग अहेड श्रीश? मैं अपनी फैमिली के बारे में बता दूं, मदर फादर है हमारे, फादर सेंट्रल गवर्नमेंट से फूड कॉरपोरेशन से रिटायर हैं, मदर हैं, और वाइफ है हमारी, वाइफ शी इज़ आल्सो वर्किंग, वो गवर्नमेंट टीचर हैं, और तीन बच्चे हैं हमारे, जिसमें एक बड़ा बेटा 7th में है और बीच की बेटी 6th में, और एक छोटी है सबसे, वो भी प्री नर्सरी में है। तो इन सबके साथ फैमिली को एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमको लगती है अपने जीवन की, सब कुछ करने के बाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम यह है कि माँ बाप के साथ रह लेना घर में, और उनके साथ रोज़ रात में उनके साथ 1 घंटे का समय देना, जो हमने अपने तकरीबन 15 सालों से एक शेड्यूल बनाया हुआ है। कहीं भी रहते हैं, पूरी कोशिश रहती है कि रात 9-9:30 बजे तक, किसी भी कैसे भी रहें, रात 9:30 तक घर लौट आना है और फैमिली को टाइम देना है। ये कोशिश है ताकि जो स्ट्रेंथ है, जो परिवार की स्ट्रेंथ है, जिस स्ट्रेंथ पे सारी चीज़ें होती हैं, अगर परिवार की स्ट्रेंथ नहीं होगी, परिवार यूनाइट नहीं होगा, तो आप बाहर भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे पहले जब मैंने, मतलब किसी भी काम के लिए फैमिली की कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। स्टार्स ऑफ पद्मनगर के लिए भी हमने अपनी वाइफ से कंसेंट ली, भाई 3-4 घंटे हमें हफ्ते में देने होंगे। वो बहुत खुश हुई, उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, आप अपने पद्मनगर यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने किया है वहाँ के लिए थोड़ा सा समय, ये कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा समय अगर आपको देना हो तो वो भी दीजिए। तो फैमिली और पेरेंट्स, ये सबको लेकर के साथ चलना ही एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आप अपने पारिवारिक रूप से किस तरह से आपका परिवार संतुष्ट है कि नहीं। तो मुख्य ध्येय यही बनाया हुआ है, और कोशिश ये है कि कोई भी, मतलब इसी राह पर चलते रहें। लोग स्टार्स ऑफ पद्मनगर की आवाज़ के रूप में जानते हैं, और ये चीज़ अपने आप में काफ़ी अच्छी महसूस करने वाली है कि आपकी आवाज़ को लोग पहचान रहे हैं। ये मौका स्टार्स ऑफ पद्मनगर में ही मिला कि लोग इस आवाज़ की वजह से देखें, इस आवाज़ की वजह से पहचानें। और जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि इस स्टार्स ऑफ पद्मनगर की आवाज़ के पीछे रोज़ाना की ज़िंदगी वाला शख्स कौन है, तो जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि अपने बिजनेस हैं, पद्मनगर से ग्रेजुएशन करने के बाद MSc PhD लखनऊ में कंटिन्यू करी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद से लगातार बिजनेस के लिए अपने कॉलेज को इस्टेब्लिश करना, कॉलेज को एफिलिएट कराना नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT से, फिर कॉलेज को रन करना,
और इन सब के साथ साथ नॉर्मल तरह से कॉलेज न चला करके जो पंतनगर की एक्सीलेंस है उसको बरकरार रखने की कोशिश करना, और कॉलेज हमारा जो लखनऊ में है उसको स्पेशली हमने ग्रेडिंग करवाई क्रिसिल से, गवर्नमेंट की स्कीम थी, बहुत सारे कॉलेजेस ने नहीं करवाई, बट हमने सबसे शुरुआत में जब सबसे पहले ही आई ग्रेडिंग तो क्रिसिल से ग्रेडिंग करवाई और 3-स्टार रेटिंग लेकर के एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन में कॉलेज को लाए, उसमें पंतनगर का और परिवार के सदस्यों का और सबका, सारे दोस्तों का, सबका योगदान है। और इन सब के साथ साथ जब चीज़ें और बढ़ी तो एक अपना LPG डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, वो हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है, लखनऊ से बगल में ही, तो ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है लखनऊ से हरदोई आना जाना, अल्टरनेट एक दिन यहाँ लखनऊ रहते हैं एक दिन हरदोई जाते हैं। और स्टार्स ऑफ पंतनगर के लिए रात का समय होता है 10:30 के बाद, 10:30 के बाद से लेकर के 1:30 बजे 2 बजे तक हम और नितिन फ़ोन पे कांटेक्ट पे रह करके, और ऐसे ही स्टार्स ऑफ पंतनगर का सिलसिला चलता रहा और आज यहाँ तक पहुँचा है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या हम जान सकते हैं कि आपके गुरु कौन हैं, आप किनको अपना गुरु मानते हैं और उन्होंने किस तरह से आपको इंस्पायर किया है और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं? माइक इज ऑल योर्स। डेफिनेटली चिराग, हम सबको बनाने वाले हमारे गुरु हैं। पहली गुरु हमारी माँ बाप, परिवार, सोसाइटी, आगे पढ़ाई में आते हैं स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के गुरु जो हमें सब्जेक्ट नॉलेज देते हैं, और बहुत सारे सोसाइटी के रोल मॉडल्स, वो भी हमारे लिए गुरु होते हैं। तो इन सारे गुरुओं से सबसे निरंतर सीखना चाहिए। कई बार हमारे अंदर उन गुरुओं के प्रति नाराज़गी आती है कि वो हम पे ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, मगर कई बार हमें एहसास ही नहीं हो पाता कि वो उनकी सख्ती और उनका जो ज़ोर ज़बरदस्ती है वो हमें सुधारने के लिए है, हमें सही रास्ते पर ले जाने के लिए। ऐसा ही माँ बाप के लिए भी होता है, एक उम्र आती है फिर बाद में एहसास हो पाता है कि जो हमें सबसे ज़्यादा करीब से जानते थे वो हमारे माँ बाप, वो हमें ये बताते रहे और हमने उनकी बात को नहीं माना, या हमने उनकी बात को माना तो ये हो गया। तो इन सारे एहसासों को हमें हमेशा सबसे सीखने की ज़रूरत है। और पंतनगर यूनिवर्सिटी के डेफिनेटली बहुत सारे गुरु जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया, पढ़ना सिखाया, एग्रीकल्चर के बारे में सिखाया, बारीकी से सिखाया, और सब्जेक्ट का नॉलेज किस तरह से लिया जाए, किस लेवल तक लिया जाए ये सिखाया। मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा अपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के टीचर डॉक्टर एस के तिवारी सर का, जिन्होंने इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट को बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम लोगों को बताया, जिनका एक एक लेक्चर आज भी हमें याद है किस तरह से वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे, एग्जांपल दे करके और चीज़ों को बताया करते थे। और पंतनगर से निकलने के बाद पीजी और पीएचडी में, पीजी में भी हमारी टीचर रहीं पंतनगर यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हुई मैडम डॉक्टर दीपा हंसराज मैम, जिन्होंने MSc में पढ़ाए सब्जेक्ट्स और उसके बाद फाइनली पीएचडी में वो हमारी गाइड रहीं। तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी हमें पंतनगर की कमी कभी नहीं खली, क्योंकि दीपा मैम BSc MSc PhD सारी डिग्रीज उनकी पंतनगर से ही हैं, तो वो प्योरली पंतनगरियन, और उन्होंने वही सारी चीज़ें जो पंतनगर से गेन करी थी वही सारी चीज़ें अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी हमको दी। तो इन सारे गुरुओं की वजह से जो भी कर पाए वो इन सारे गुरुओं की वजह से, और सारे लोग बगैर गुरुओं के कुछ नहीं कर सकते, बगैर गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। तो गुरुओं का योगदान हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा होता है, हमारा जीवन ही गुरुओं का दिया हुआ होता है, तो उनका श्रेय हमेशा, कुछ भी बनता है उसके लिए गुरु ही जिम्मेदार है। सिंस एज अ डिसीजन आपकी टीम ने जो डिसाइड किया है
इनफैक्ट मैं कहूँगा कि हमारी टीम ने जो डिसाइड किया है लाइक चेंज ऑफ बेटन बिटवीन डिफरेंट एलुमनाई चैप्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पंतनगर के जो एलुमनाई चैप्टर्स हैं. सो आई होप ये बताएं थोड़ा लिसनर्स को कि हाउ विल यू लाइक टू बी एसोसिएटेड विद स्टार्स ऑफ पंतनगर, आप कैसे संघ में काम करते रहेंगे एंड व्हाट आर द वेज यू आर थिंकिंग, और आपके दिमाग में कुछ ऐसा थॉट हो जो इनफैक्ट मुझे भी ना मालूम हो और आप डिस्कस करना चाहेंगे लिसनर्स के साथ, सो दैट लिसनर्स कैन गिव देयर फीडबैक. एंड लाइक एवरी आवर एपिसोड इज फॉर आवर लिसनर्स, तो डेफिनेटली वी आर बाउंड टू फॉलो हमारे जो लिसनर्स कहते हैं सोचते हैं, बिकॉज दिस प्रोग्राम इज फॉर देम बेसिकली. सो कुछ कहें इसके बारे में डॉक्टर शीश? सही कहा चिराग आपने, स्टार्स ऑफ पंतनगर में एक लंबी पारी लगभग 20 हफ्तों की, 5 महीने का जो सफर रहा, उसके बाद ऐसा एहसास हुआ कि पंतनगर ने स्टार्स ऑफ पंतनगर के रूप में फिर से कुछ बनने का मौका दिया. और जहां तक बात स्टार्स ऑफ पंतनगर से जुड़े रहने की है, तो स्टार्स ऑफ पंतनगर तो अपने आप में एक सिलसिला है. स्टार्स ऑफ पंतनगर की शुरुआत ये कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, ये एक सिलसिला है पंतनगर को जानने का और पंतनगर को समझने का और पंतनगर के लोगों को आपस में जोड़ने का. तो ये सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा और इस सिलसिले से आज हम जुड़े हैं, आप जुड़े हैं, और भी बहुत सारे नए लोग जो आते जाएंगे इससे जुड़ते जाएंगे, गेस्ट बदलते जाएंगे, होस्ट बदलते जाएंगे, मगर ये सिलसिला खत्म नहीं होगा. बहुत आसान होता है जमीन पे आलीशान मंजिलें बना देना, बहुत मुश्किल होता है दिलों में जगह बनाना. तो स्टार्स ऑफ पंतनगर ने आज पंतनगर के लोगों के बीच में, पंतनगर के बहुत विशाल परिवार के बीच में अपनी जगह बना ली है. सबसे बड़ी उपलब्धि स्टार्स ऑफ पंतनगर की यह है, और स्टार्स ऑफ पंतनगर हमेशा से हमारा है, हम सबका है, हमारे सारे पंतनगर वालों का है. तो इससे जुड़े रहना, इसके लिए कुछ ना कुछ लगातार काम करना, ये हमारे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात है. हम जुड़े रहेंगे और हमेशा से जब भी स्टार्स ऑफ पंतनगर में हमारी ज़रूरत होगी, आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल. और स्टार्स ऑफ पंतनगर को हमेशा ऐसे ही बढ़ते हुए देखना चाहेंगे. गम और खुशी में फ़र्क महसूस ना हो जहां, मैं खुद को उस मुकाम पर लाता चला गया. क्या आपके दिल में, डॉक्टर शीश गौर करिएगा, क्या आपके दिल में कुछ शिकवे हैं, गिले शिकवे एसओपी के साथ, स्टार्स ऑफ पंतनगर के साथ, उसकी टीम के साथ, पर्टिकुलर मेंबर्स के साथ या एक्स मेंबर के साथ? और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी गलतियों को भुलाकर यू विल ऑलवेज हेल्प अस एंड गिव ऑल योर लव. आपके मन में एसओपी के लिए कोई सवाल जिनका जवाब आप खोजते रहे हो, और हो सकता हो कि वेरी क्लोज बॉन्डेड टीम की तरह आप काम कर रहे थे अभी तक, सो वो सवाल वर नॉट फाइंडिंग अ राइट प्लेस राइट मोमेंट टू आस्क. सो दिस इज द पॉइंट डॉक्टर शीश, शूट योर क्वेश्चंस. आपके दिल में कुछ सवाल हों ऐसे, या यू वॉन्टेड सम इम्प्रूवमेंट इन द पॉडकास्ट, सो वी अलॉन्ग विद ऑल अवर लिसनर्स आर ऑल ईयर्स फॉर योर एडवाइस, प्लीज. स्टार्स ऑफ पंतनगर की टीम के साथ काम करना और उस टीम के सदस्य के रूप में काम करना अपने आप में काफी अच्छा महसूस कराने वाली चीज है, क्योंकि स्टार्स ऑफ पंतनगर का कॉन्सेप्ट अपने आप में इतना पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ही आती है, और बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं. और जहां तक बात रही किसी गिले शिकवे की, उसकी तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड माहौल में काम होता है, इतना ज़्यादा आपस में एक दूसरे की बात को रिस्पेक्टफुली और इतना ज़्यादा कोऑपरेशन के साथ किया जाता है कि कोई इस तरह की बात आने का सवाल ही नहीं है. और एक एक चीज़ का एहसास हमें रहेगा हमेशा कि जितना समय हमें देना चाहिए था उतना शायद नहीं दे पाए अपने आप को इम्प्रूव करने में और चीज़ों को प्रेजेंट करने में. हो सकता कुछ ऐसी गलतियां रही हों, और बहुत सारी रही हैं, जिसका मुझे भी एहसास है और आप सब लोगों को एहसास है. उसके लिए आप सारे लोगों से
माफी मांगना चाहूंगा कि कहीं से भी कोई भी गलतियां रही हों और या कुछ ऐसे शब्द रहे हों जो किसी को ठेस पहुंचाए हों, तो उनके लिए माफ करिएगा। और स्टार्स ऑफ पंत नगर के साथ ये एक वेकेशन पे है, हमारा एक वेकेशन पे जाना है, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ और कुछ असाइनमेंट्स भी हैं हमारे, जिस वजह से और थोड़ा सा समय की शॉर्टेज हो रही है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे और इन्हीं सब चीज़ों के साथ। और हाँ, जो एक सवाल किया आपने कि स्टार्स ऑफ पंत नगर के लिए कोई सजेशन एक ये है, एक एडवाइस है कि पंत नगर की डाइवर्सिटी, इसको अभी तक स्टार्स ऑफ पंत नगर ने मेंटेन करने की कोशिश करी है और बखूबी मेंटेन किया है कि हर एक फील्ड से, हर एक कॉलेज से, हर एक ज्योग्राफी से, हर एक बैकग्राउंड से लोगों को लाया गया है। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है और मैं कोशिश करूंगा और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि स्टार्स ऑफ पंत नगर की पूरी टीम से किस इस डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करें और इसको और दिनों दिन बहुत ऊपर जाएगा। और पंत नगर की हिस्ट्री, कैसे पंत नगर बना है, उसके लिए स्टार्स ऑफ पंत नगर जाना जाएगा। जिस किसी को भी पंत नगर के बारे में जानना होगा तो पंत नगर के लोगों द्वारा स्टार्स ऑफ पंत नगर एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के रूप में हमेशा मौजूद रहेगा और लोग स्टार्स ऑफ पंत नगर को जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच चिराग, एंड थैंक यू वेरी मच नितिन और आपकी सारी टीम, मुझे इस तरह का मौका दिया और स्टार्स ऑफ पंत नगर के साथ काम करके बहुत अच्छा महसूस हुआ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वी थैंक आवर टाइटल स्पॉन्सर इंडोइन बिजनेस ग्रुप फॉर मेकिंग दिस पॉडकास्ट पॉसिबल। सो दोस्तों, ये था हमारा 30वां एपिसोड, 30th एपिसोड, एंड हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमने 30 हफ्ते निकाल दिए इस शो में। जब हमने स्टार्ट किया था आलोक वॉज होस्टिंग, और वी नेवर न्यू कि हम इतनी दूर तक चलेंगे। एंड वी आर स्पेशली थैंकफुल टू आवर स्पॉन्सर्स इंडोइन बिजनेस ग्रुप, डॉक्टर दिनेश चौहान जी, प्रदीप सर एंड आशुतोष, एंड आवर टीम, होल टीम है जिसमें कि मनीषा है, शुभम है, पवन है, नितिन उपाध्याय है, आलोक गुप्ता है, शिरीष गौतम है, मैं अपना नाम भी लेना चाहूँगा, नितिन श्रीवास्तव, और चिराग उपाध्याय भी है। और बहुत रातें हम लोग ने जलाई हैं इसके लिए, एंड नाउ वी आर रीचिंग अ पॉइंट जहाँ की वी वांट आवर एलुमनाई चैप्टर्स टू टेक लीड। सो दिस टेक अवे नोट इज स्पेशल, स्पेशली अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल द पीपल लिस्निंग अक्रॉस द वर्ल्ड, पंत नगर के आप हैं जहाँ भी हैं, so you can approach us if you want to host the show or you want that like jaise aapka US ka koi chapter hai and you want that ye 10 guest you want to feature it on Stars of Pandaga, so feel free to connect with us. Our website is starsofpandaga@gmail.com, and Facebook hai Stars of Pandaga, stars mein z lagega, STARZ, Facebook pe Stars of Pandaga. So I'll be looking for your replies, comments, shares and feedbacks. Till then, dosto, keep shining. Agle hafte aap sabke samne ek naye guest, ek nayi shakhsiyat, ek nayi personality aur ek naye sitare ke saath hazir honge. Bye bye. Take care.